नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट वन वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर चुके हैं और उसको आप लोगों ने देखा भी होगा। आज हम लोग सेकेंड पार्ट इसका करेंगे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जितने भी मतलब जितने नंबरों में बार लगा होता था उस पर हम लोग वर्क करते थे। आज हम लोग उसके सेकेंड पार्ट पे वर्क करते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप लोग देखिए और इसको हम बताते हैं कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। अब देखिए, जैसे अगर हम लोग इसको करते हैं, ये देखिए 0.11 पे बार है, हमने बार हटाना बताया हुआ था। बार हटाते हैं तो क्या करते हैं, 11/99 लिखते थे प्लस, इसी तरह जहां पर भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 22/99 इंटू 3 अपान। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ 37, मतलब 37/999, क्योंकि ये जो जीरो था, जीरो की तो कोई वैल्यू होती नहीं, लेकिन बार की तो वैल्यू होती है। जब बार की वैल्यू होती है तो बार तो लगाना ही पड़ेगा। अब देखिए, जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या होगा, 33/99 इंटू 3 अपान, ये देखिए कितने टाइम्स कटेगा, 27 टाइम्स। हमने कहा था ये नंबर याद रखिएगा, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 1/27 का क्यूब रूट, इससे ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1/1/3, इसका मतलब आंसर आपका कितना हो जाएगा, 3। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास में प्लस माइनस के भी क्वेश्चन आते हैं, तो जब प्लस माइनस के क्वेश्चन आते हैं तो देखिए इसको पहले हम लोग बेसिक तरीके से ही देखेंगे कैसे प्लस करते हैं। तो अगर इसको हमको प्लस करना है तो प्लस करने के लिए जो पॉइंट के पहले की डिजिट है उनको ऐसे ही हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पॉइंट लगा ले करते हैं। जब हम लोग यहां पे देखते हैं, पहले देखते हैं कि कितने नंबर पर बार नहीं लगा, यहां पर भी 7 पे नहीं लगा, यहां पर भी 7 पे नहीं लगा। इसका मतलब यह हुआ, जो भी नंबर आंसर आएगा पॉइंट के बाद में वन डिजिट पर बार नहीं लगा होगा। तो यहां पर आपका 7 लिखा था तो 7 ही लिख लेंगे, यहां पे 4 था 4 ही लिख लेंगे। उसके बाद में अब देखिए, यहां पर एक ही डिजिट है, यहां पर भी एक डिजिट है, तो एक बार ही यहां पर 4 लिख लेंगे, 4 7 लिख लेंगे यहां पर। उसके बाद क्या करेंगे, दो डिजिट कम से कम आप और रिपीट कर लीजिएगा। जब आप दो डिजिट और रिपीट कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आंसर इधर से कुछ कैरी आ जाता है, हासिल आ जाता है, जिस कारण से यहाँ की डिजिट चेंज हो जाती है। सिंप्लीफाई इसको प्लस कर लेते हैं, तो देखो 7+4 11, 7+4 11+1 12, 7+4 11+1 12, 7+4 11+1 12, 8+6 14+1 15। अब देखिए यहां पे तो लगना नहीं है, हालांकि हमें इससे कोई भी मतलब नहीं होता है, डिजिट हमको यहीं पे देखना होता है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा 15.22 पर बार, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसा कि हमने अगला सवाल लिखा हुआ आप लोगों के सामने, इसमें भी सिंपली प्लस करना है, लेकिन हमें बताया गया कि बार लगाने का मतलब ये हो जाता है प्लस करने के तरीके चेंज हो जाते हैं। अब जब हम लोग इसको देखते हैं तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग 2 पॉइंट वाले ये तो पहले ऐसे ही लिख लेंगे, 3 5 पॉइंट भी लगा देंगे। उसके बाद में देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर कितने हैं जितने पर बार नहीं लगा हुआ। यहां पर देखिए कितना, 1 डिजिट ही है, यहां पर कोई डिजिट नहीं है, लेकिन यहां पर कितने डिजिट है, 3 डिजिट। तो इसका मतलब हमारा जो भी आंसर होगा उसकी 3 डिजिट पर बार नहीं लगा होगा। तो क्या लिखा हुआ, 857, तो यहां पर लिख लेंगे 857। जब हम लोग ये कर लेंगे उसके बाद में देखते हैं, यहां पर तो हमारा केवल 1 डिजिट ही था, लेकिन यहां पर भी हम लोग लिखेंगे 856। यहां पे अगर कोई डिजिट नहीं थी तो जो लिखा हुआ है उसी को हम लोग रिपीट कर लेंगे, 747। उसके बाद में आकर हम लोग देखते हैं कितने पे बार लगा हुआ है, यहां पर 2 डिजिट है, यहां पर 2 डिजिट है, यहां पर 1 डिजिट है,
तो इनका एलसीएम दो एक एक का दो दो एक का एलसीएम कितना होता है, दो होता है। तो ये नंबर दो बार ही यहाँ पर लिखा जाएगा। तो जब ऐसा करेंगे तो देखिए सिक्स तो यहाँ पर हो चुका है, फिर से हम लोग क्या लिखेंगे फाइव सिक्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे। अब देखिए सेवन फोर तो लिखते हैं, लेकिन सेवन यहाँ पर आ चुका है। जब सेवन आ चुका है पहले क्या आएगा फोर, फिर सेवन आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा नंबर है सिक्स, तो यहाँ पर सिक्स सिक्स लिख लेंगे। अभी भी हम लोग क्या करेंगे, कम से कम दो डिजिट और तीन डिजिट और आगे लिखेंगे, ताकि जो इधर का हासिल बच करके आता है, ताकि जो बार जिस पे लगे वो नंबर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए फाइव सिक्स तो हो गया, तो फिर से फाइव सिक्स लिख लीजिए, फाइव सिक्स। यहाँ पर सेवन फोर लिखते, लेकिन यहाँ पर सेवन तो लिख चुका है, तो क्या लिखा जाएगा फोर सेवन फोर सेवन। यहां पर सिक्स था तो यहां पर सिक्स ही लिख लेंगे, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में क्या करते हैं, अब हम लोग प्लस कर लेते हैं। देखिए छह छह बारह, बारह सात उन्नीस, पांच चार नौ, नौ में दस और छह सोलह। फिर से यहां पर छह छह बारह सात उन्नीस, उन्नीस और एक बीस, छह चार दस पांच पंद्रह, पंद्रह और दो सत्रह। ऐसे ही यहां पर प्लस कर लेते हैं, छह छह बारह, बारह सात उन्नीस, उन्नीस और एक बीस, छह चार दस और पांच पंद्रह दो सत्रह। ये सेवन का वन इधर आ जाएगा। आप देखिए यहां पर कितना है, सात सात चौदह, चौदह और छह बीस, बीस और एक इक्कीस, पांच पांच दस, चार चौदह, चौदह दो सोलह, आठ आठ सोलह, सोलह और सात तेईस, तेईस और एक चौबीस, दो हासिल बचे, पांच तीन आठ दो दस, दस और दो बारह। अब देखिए ये हुआ, लेकिन हमको इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। तो अब हमारा जो आंसर हो जाएगा 12.46170, इस पे बार लगेगा और ये थ्री डिजिट पर कोई भी बार नहीं लगेगा, ये हमारा आंसर हो गया। ये सवाल सीजीएल मेंस 2018 में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, बीच में एक चिन्ह माइनस का भी लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हम लोग ऑप्शन से सवाल करते हैं, अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम कितनी डिजिट है जहां पर बार नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर वन डिजिट था, यहाँ पर भी वन है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद में कम से कम एक डिजिट ऐसी होगी जिस पर बार नहीं लगा होगा, वही ऑप्शन होगा। अब देखिए इसको जैसे करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 22.11.33. इसके साथ में माइनस भी लगा देंगे, जब इसके साथ में हम लोग माइनस भी लगा देंगे, अब देखिए हमने कहा था अब उसके बाद देखते हैं कि कितने डिजिट पर मैक्सिमम बार नहीं लगा हुआ है। तो पहले वही नोट करते, देखिए वन डिजिट यहाँ भी है, वन डिजिट यहाँ भी है, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं यहाँ पे फाइव। जब यहाँ पे फाइव लिखा तो यहाँ पर भी आपका फाइव है, तो यहाँ पर भी फाइव लिख लीजिए, और यहाँ पे कुछ नहीं रहा तो फोर तो हमारा रिपीटिंग होगा ही होगा। उसके बाद हमने कहा था यहाँ पर जो भी डिजिट लिखते हैं उसके लिए जितने पे बार लगा होता है, यहाँ पर जैसे कितना लिखा हुआ है वन पे है, यहाँ पे टू पे, यहाँ पे वन पे, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा टू हो जाएगा। तो इसका जो भी नंबर होगा वहां यहाँ पे टू टाइम्स लिखा जाएगा, तो इस फोर को कितने टाइम्स लिख लेंगे टू टाइम्स, फोर फोर, यहाँ पे सिक्स सेवन है सिक्स सेवन लिख लीजिए, और यहाँ पर नाइन नाइन लिख लीजिए। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा के तरीके से कम दो डिजिट लगा के और बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर आप फोर 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 लिख लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे सिक्स सेवन सिक्स सेवन, और यहाँ पर नाइन है नाइन ही रिपीट होगा, नाइन 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 नाइन। अब आप लोग इसको माइनस कर लीजिएगा, तो देखिए जब हम लोग माइनस करेंगे तो ऊपर वाले तो प्लस ही है,
ये माइनस की है, तो प्लस वाले से माइनस, पहले प्लस वाले प्लस कर लीजिए, 7 प्लस 4 11, 11 में से 9 गया 2, 6 प्लस 4 10 में से 9 गया 1, 11, 11 में से 9 गया 2, 1, ऐसे यहां पर भी आगे देख लीजिए 11, 2, 10, 1, 4, अब देखिए यहां क्या हो गया, 0 बचेगा। अब देखिए हमने बताया हुआ था कि आप लोगों को इन डिजिट से कोई भी मतलब नहीं होता है, केवल हम लोग ये डिजिट इसलिए लेते हैं ताकि अगर घर से कुछ भी कहने बचता है तो वो इधर आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ यहां बचा नहीं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0.412, और बार कितने पे लगेगा 12 पे, क्योंकि जो यहाँ पे डिजिट होती है उन्हीं पे बार लगाते हैं।